है वहाँ पर जाता है, न्यू एक्टिविटीज़ के साथ, न्यू क्रिएटिविटी के साथ बच्चों को सिखाया जाता है। बच्चों के क्लासरूम आप देख नहीं पा रहे हैं वहाँ पर, ये पब्लिक स्कूल है। जैसे हमारे भारत में गवर्नमेंट स्कूल होते हैं तो वहाँ पर पब्लिक स्कूल कहते हैं। देखो कितना नीट और कितना क्लीन, कितने हाइजीनिक वहाँ पर क्लासरूम आप देख नहीं पा रहे हैं। तो ये है अमेरिका के क्लासरूम का सिस्टम। और ये देखो बच्चों के लिए यहाँ पर एक्टिविटीज़ के साथ, बच्चों को हैंडक्राफ्ट की एक्टिविटीज़ के साथ वहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है। ज़्यादा वहाँ पर स्किल या थिंकिंग के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाती है। और बच्चों के लिए गाइस, बच्चों के लिए भी फ्री बस सर्विस भी वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। फ्री बस सर्विस, कोई पेमेंट नहीं उनको करना। ये बच्चे देखो आप देख नहीं पा रहे हैं, ये बच्चे फ्री स्कूल तक पहुँचते हैं, फ्री इन्हें ड्रॉप वापस किया जाता है। ये पब्लिक बस है जो गवर्नमेंट के द्वारा फ्री वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। और आप तो देख नहीं पा रहे हैं कि बच्चे आराम से खुशी के साथ अपने स्कूल में जा रहे हैं और मम्मी पापा उन्हें जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं बस तक, ताकि बच्चे आसानी से अपने स्कूल जा सकें। और कितनी खूबसूरत, कितनी साफ सफाई के साथ, नीट और क्लीन आप देखने पा रहे हैं वहाँ की रोड। और व्यू भी आपको दिखाएंगे क्लासरूम का व्यू, कि इनसाइड क्लासरूम और अंदर स्कूल के अंदर क्या क्या फैसिलिटी हैं, क्या क्या अच्छी अच्छी बातें हैं, ध्यान दिया जाता है। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अलग है थोड़ा हमारे इंडिया से। जब क्लास जब एज थर्ड में जाता है तो प्री स्कूल में जाना पड़ता है, और फिर उसके बाद एक किंडर गार्डन है वहाँ पर, देखिए अंदर का। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रिंसिपल या मैनेजिंग जो मेन सेक्रेटरी होते हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। और अभी आपको अंदर भी, अंदर का व्यू भी दिखाएंगे वहाँ पर कितना, ये है अंदर अंदर का क्लासरूम का व्यू, कितना खूबसूरत नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, जिम भी है बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए भी है। तो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के ऊपर, यानी एक्टिविटीज से सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और आप देखने पा रहे हैं अभी जस्ट आपको अंदर, अभी तो क्लास चल रही है इसलिए अंदर का व्यू नहीं दिखा पाएंगे। देखो पानी पीने के लिए कितना खूबसूरत है ना, पानी पीने के लिए ये देखो, कितनी अच्छी एक्टिविटीज़ टीचर्स के द्वारा ये किया जाता है। ये देखो हर एक बच्चे का नाम लिखा हुआ है, उनके लिए एक कैबिन बने हुए हैं ताकि उनका लंच बॉक्स और बैग वहाँ पर रखे जाते हैं। उनके नाम भी लिखे हैं, उनके बच्चों के नाम भी यहाँ पर लिखे रहते हैं। कितने सुंदर सुंदर कैबिन उनके लिए वहाँ पर लगाए जाते हैं। तो पीनट फ्री है स्कूल, यहाँ पर मूंगफली नहीं ली जा जाती है ताकि बच्चों को वहाँ पर अवॉइड किया जाता है। ये उनके लिए यहाँ पर जैसे लंच के टाइम में स्नैक्स प्रोवाइड किया जाता है उनके लिए। तो ये कितना अच्छा डाइनिंग रूम उनके लिए है जहाँ पर बच्चे ब्रेक के टाइम में लंच करते हैं, और लंच का समय यहाँ पर बच्चे आ करके लंच करते हैं। तो आप देख नहीं पा रहे हैं बच्चों के, यहाँ पर नर्स नर्स भी अपॉइंट की जाती है पब्लिक स्कूलों में, ताकि अगर बच्चों की स्वास्थ्य ठीक ना हो तो उनका ट्रीटमेंट भी यहाँ पर किया जाता है। और देखो कितनी खूबसूरत यहाँ पर टीचरों के द्वारा हैंडक्राफ्ट, ये बच्चों के लिए ये पिक्चरें, जो बच्चे अच्छे परफॉर्म करते हैं, कोडिंग क्लास भी सिखाई जाती है, म्यूजिक की क्लास भी यहाँ पर सिखाई जाती हैं। और जो बच्चे परफॉर्म अच्छे करते हैं उन्हें फर्स्ट या सेकंड प्राइज के रूप में सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। और देखो यहाँ पर कितने खूबसूरत तरीके से चार्ट, चार्ट एजुकेशन के द्वारा भी, फ्लो चार्ट के द्वारा या चार्ट बना करके भी कितने अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, ताकि बच्चे देखें और चीज़ों को फील करें और इन चीज़ों से सीखें। ये बहुत ही अच्छा क्रिएटिविटी के साथ यहाँ पर किया जाता है। और साथ ही आप देखने पा रहे हैं कि पेरेंट्स भी यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर एक मेला टाइप का लगता है जहाँ पर टीचर और पेरेंट्स बातचीत भी करते हैं। उन्हें समय या टाइम दिया जाता है ताकि टीचर फ्री हो करके इन पेरेंट्स से बातचीत कर सके, उनके बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी उन्हें दे सके, फीडबैक के रूप में उन्हें जानकारी दे सके कि आपके बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है और
कैसा स्लो लर्नर है या फास्ट लर्नर है या एवरेज लर्नर है, क्या इम्प्रूवमेंट उसके लाइफ के लिए चाहिए, तो ये जानकारी टीचर पेरेंट्स को देते हैं ताकि पेरेंट्स भी ध्यान दें और टीचर भी ध्यान दें। तो ये टाइम होता है, अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पर टीचर और पेरेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। भारतीय ये देखो ये वॉशरूम में कितने नीट एंड क्लीन, हाइजीनिक हाइजीनिक वॉश वॉश बेसिन। तो यहाँ पर और साइंस के लिए भी कुछ न कुछ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए छोटे छोटे लैब टाइप के बनाए जाते हैं ताकि बच्चे ये सीख सकें और आने वाले भविष्य में उनका भविष्य जो है उज्जवल हो सके। तो गाइस, ये इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है अमेरिका के एजुकेशन के सिस्टम के बारे में, अगर आपको और जानकारी चाहिए इसी प्रकार से तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।